सर आपका सॉन्ग आया है, क्या कहना चाहोगे? सॉन्ग काफी बेहतरीन है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? आपसे पूछे, हाँ मैंने देखा आपका गाना, कैसा लगा? आप बड़े शर्मीले लगते हैं, ऐसा क्यों? आप सच में हो शर्मीले? इसके अंदर शर्मीला तो लड़की से ज्यादा आप शर्मा रहे गाने में। बहुत प्यारा है और हमारे सिंगर हमारे साथ यार मोहम्मद सिंगर आई आई है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन गाना गाया आपने। वो शब्द हर्ष मोहम्मद सुनाना चाहेंगे, आपने सुना? हाँ हाँ सुना ना, आपकी आवाज़ में मिठास है। आप लोगों ने गाना सुना, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। दो लाइन आपके सामने थोड़ा जोर से दो लाइन आपके सामने मैं सुनाता हूँ और उसके बाद तुम होगा भी थोड़ा तुझ में ही पाई मैंने मेरी जिंदगी, तुझसे ही मिल गई मुझको ये आशिकी, तेरे संग इबादत है पूरी, ना कोई हंसी नज़्म भी तेरी भी मेरी भी, सांसें धीरे से कहने लगी। शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब आप गाना कर रहे थे? आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। शर्लिन जी, जैसे कि आप जानते हैं आपके फ्रेंड को, तो क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे फ्यूचर में एक्टिंग के लिए, फ्यूचर के लिए एक बड़े कलाकार एक्टर बनने के लिए कुछ टिप्स देना चाहते हैं? मैं क्या टिप्स दूँ भाई, पहले से एक मास्टर कलाकार है कि नहीं? मास्टर एक्टर नहीं नहीं, मतलब मास्टर आप दोनों एक साथ दिखेंगे, मतलब कि किस तरह की तैयारी होगी आप दोनों की? आपको एक छोटी सी झलक हम दिखाया जाएंगे, एक गाना हमने शूट किया है, मतलब छोटा सा एक वीडियो है, वो बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री कैसी है। और असगर ने ये कहा कि जो गाना ये मेरे साथ शूट करने वाले हैं वो इस साल का सबसे ऐतिहासिक रोमांटिक सॉन्ग होगा। आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच। उसका एक शब्द है, होठों पे आती हसरत मेरी तुम हो, सांसों में खिलती हरारत मेरी तुम हो। अभी आगे और दो लाइंस गाकर सुनाइए। होठों पे खिलती हरारत तुम हो, सांसों में लिपटी शरारत तुम हो। बस बस।